स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं की भागीदारी विषय पर 12 सालों से बच्चों की प्रतियोगिता जश्न आजादी का पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आरिफ मसूद फैंस क्लब आयोजित कर रहा है। विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि आरिफ मसूद फैंस क्लब लगातार 12 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मना रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 7 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आजादी में उल्मा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समापन अवसर पर नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। 12 साल कंप्लीट हो रहा है इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आजादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आजादी में नहीं है, ऐसे वक्त में उस इतिहास को जिंदा करना जरूरी है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे, जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफरत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुँचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।